सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड फ़ोन में ओपेरा मेनू में कोई भी इमेज को, वेबसाइट को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हो मास्क वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जिससे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ओपेरा मेनू ओपन करना है। ओपेरा मेनू ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी टैप करना है, इमेज हो या कोई भी वेबसाइट हो। एग्जाम्पल के लिए क्रिक बस दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिक बस ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर तीन डॉट पे प्रेस करना है। तीन डॉट पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन, उस पर आपको प्रेस कर देना है। ऐड पे प्रेस कर देना है, ऐड टू होम स्क्रीन, फिर से आपको ऐड पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिक बस डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। आप इसको यहाँ से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से आप कोई भी सिंगल इमेज को या कोई भी वेबसाइट को आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उस आइकॉन पे थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, उसके बाद आपको रिमूव पे प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन में ओपेरा मेनू में कोई भी वेबसाइट को या इमेज को डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेक जिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।